हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर साहिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस थंबनेल को देखने के बाद आए हो कि जीरो व्यूज पर, जीरो सब्सक्राइबर पर भी अपने चैनल को मोनेटाइज किया जा सकता है 2020 में, तो आपका वेलकम है। आप इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप्स देने वाला हूं जिससे आपका चैनल आज ही मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलो यार, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं हम अपने चैनल को मोनेटाइज क्यों कराना चाहते हैं। तो मोनेटाइज कराने का मतलब ये है कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी एंड उस पर व्यूज आएंगे, और व्यूज आने के साथ साथ एड आएंगे जिसके हमको पैसे मिलेंगे। सो गाइस, हम अपने चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन गाइस, आप लोग सच बताना, आपको 48 घंटे में कितने व्यूज आते हैं? 100, 200, 400, 1000, 1500, 2000, 2500? आपको कितने व्यूज आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ही टाइप करके बताओ। एंड अगर मान लो आपका चैनल आज और अभी इसी वक्त मोनेटाइज हो जाता है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपके 48 घंटे में 1000 या 1500 व्यूज आते हैं, तो आपको लगता है कि आपको उससे कुछ अर्निंग होगी? आप किसी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले जिसके 2-3 हजार सब्सक्राइबर हैं, उस बंदे से पूछ लो कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपको अर्निंग कितनी आ रही है? आई थिंक वो आपको साफ बोल देगा कि 2000-2500 व्यूज पर भी स्टार्टिंग में जीरो अर्निंग होती है। यस गाइस, ये रियलिटी है यूट्यूब की। अगर आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लो, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया एंड आपको 48 घंटे में 2500 से 3000 या 4000 तक व्यूज आ रहे हैं, तब भी आपके एक दिन में $1 तक कमा नहीं पाओगे। यस गाइस, ये यूट्यूब की रियलिटी है। तो गाइस, अगर आपके 48 घंटे में 2000 व्यूज भी आ रहे हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको अपनी वीडियो पे, अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरी बात बता दूं, अगर आपका चैनल पर 990 या 999 सब्सक्राइबर हैं और आपकी हर वीडियो पर 10000 व्यूज आते हैं, 20000 व्यूज आते हैं, यानी कि आपका चैनल मोनेटाइज एलिजिबल नहीं है, तब भी अगर आपकी वीडियो पर व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, तो आप फिर भी अर्निंग कर सकते हो यूट्यूब पर, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग सोर्स मिल जाते हैं। एक अकेला ही मोनेटाइजेशन ही ऑप्शन नहीं है आपके अर्निंग का सोर्स का, इसके अलावा भी यूट्यूब पर बहुत सारे अर्निंग सोर्स के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप इस बात पे ध्यान मत दो कि आपको अपना चैनल को मोनेटाइज कराना है, हर हाल में मोनेटाइज कराना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी वीडियो पर ध्यान दो, अपने कंटेंट पर ध्यान दो, अपनी वीडियो को इस प्रोफेशनल तरीके से बनाओ जिससे आप आपकी वीडियो पर बहुत व्यूज आए, और अगर व्यूज आएंगे तो सब्सक्राइबर भी मिलेंगे। आप अपने वीडियो को एक ऐसा कंटेंट सिलेक्ट करो, ऐसे ट्रेंडिंग कंटेंट को बनाओ जिससे आपका चैनल फास्ट ग्रो हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो यार सॉरी, लेकिन गाइस, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाए आज और आपके व्यूज 1000-3000 आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आप अपने वीडियो को इस तरह से कंटेंट बनाओ, कम से कम 48 घंटे में 10000 व्यूज तक अपनी उसकी कवर लेके जाओ। अगर आपके 48 घंटे में 10000 व्यूज आने लगे, तब आप समझो कि अगर अब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो मेरे को दिक्कत है। अगर आपके 10000 48 घंटे में आ रहे हैं, तभी आप अर्निंग कर सकते हो, वरना आपके 2-3-4 हज़ार में कुछ भी अर्निंग नहीं होती है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लो और अपनी वीडियो पर ध्यान दो एंड वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से बनाओ, जिसपे एक बार जो बंदा वीडियो देख ले वो आपके नेक्स्ट टाइम भी वीडियो देखना पसंद करे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कोई कमेंट या फिर कुछ भी आपका सजेशन हो हमारे वीडियो के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करना। सो दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय। Okay.